हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं आप सभी के साथ मैरिनारा सॉस की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस सॉस की बहुत सारी यूजेज है, आप लोग इसे बहुत सारी डिशेस में इस्तेमाल कर सकते हो। इसे स्पेगेटी एंड पास्ता, आप लोग चाहो तो इसे एयरटाइट कंटेनर में एक हफ्ते के लिए स्टोर भी कर सकते हो। अगर आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। इस सॉस को बनाने के लिए सबसे पहले इस पैन में 2 से 3 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल डाल रही हूँ। यहाँ पर इसमें 1 स्मॉल ऑनियन को फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। 1 गार्लिक क्लोव को भी ग्रेट करके इसमें ऐड कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसे फाइन चॉप करके भी इसमें यूज कर सकते हो। इसे मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी, जब तक कि प्याज ट्रांसलूसेंट हो जाए। उसके बाद इसमें 5 से 6 टोमेटोज को बारीक चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले इन टोमेटोज को कुछ पानी के साथ मैंने ब्लांच किया था, 1 से 2 मिनट के लिए इसे मैंने बॉईल किया था। इसका छिलका मैंने उतार दिया है, उसके बाद इसे मैंने चॉप कर दिया था। इसमें 1 टीस्पून नमक का यूज होगा, आप लोग सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। 1/2 टीस्पून इसमें ब्लैक पेपर पाउडर का यूज होगा। इसमें 1 टीस्पून ड्राई ओरिगेनो एंड 1 टीस्पून ड्राई पार्सली का यूज कर रही हूँ। अगर आप लोग चाहो तो इसमें फ्रेश पार्सली का भी यूज कर सकते हो। इसे मीडियम फ्लेम में 2 से 3 मिनट के लिए पकाऊंगी। इस स्टेज में इसमें 2 टेबल स्पून टोमेटो पेस्ट का यूज कर रही हूँ। इसमें 1/4 कप पानी का यूज कर रही हूँ। आप लोग चाहो तो इसमें चिकन ब्रॉथ का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पर फ्लेम को लो करूंगी एंड इसे लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट के लिए पकाऊंगी। जिस तरह आप लोग देख रहे हो, 15 मिनट के बाद इसका पानी जब कुछ हद तक खत्म हो जाए, आप ये सॉस रेडी है।